INS24 की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटा बजाएं ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन जारी है। इस दौरान हर राज्य में जरूरी वस्तुओं की सप्लाई अहम है। इस सप्लाई में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए गृह मंत्रालय ने सारे राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखा है। इसमें लिखा है कि ऐसी शिकायतें देश के कई हिस्सों से आ रही हैं कि जरूरी सामान ले जा रहे ट्रकों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा इससे जुड़े जो कर्मचारी हैं उनको भी संबंधित राज्य या स्थानीय प्रशासन पास नहीं जारी कर रहे हैं। इन समस्याओं का तुरंत समाधान होना चाहिए। जरूरी सामान ले जा रहे ट्रकों को बेवजह न रोका जाए। तो आइए जानते हैं क्या है सरकारी आदेश। ड्राइवरों को हो रही परेशानी के मद्देनजर ये आदेश जारी किए गए हैं। अपनी चिट्ठी में गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये भी शिकायत मिली है कि ट्रकों को बेवजह रोका जा रहा है, जिससे उनके ड्राइवरों को परेशानी हो रही है। गृह मंत्रालय के इस आदेश में कहा गया है कि ट्रकों का आवागमन सुचारू रूप से होने दिया जाए। एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट के दौरान इन ट्रकों को पास जारी किए जाए। जो ट्रक माल लेकर जा रहे हैं और जो वापसी में उन्हें माल ढोना है, तो इन ट्रक ड्राइवरों के साथ एक हेल्पर भी हो सकता है। गृह मंत्रालय की ओर से ये कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि ट्रक ड्राइवरों और हेल्परों को जरूरी पास मुहैया कराए जाएं। गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि एयरपोर्ट, सी पोर्ट, लैंड पोर्ट और रेलवे को पहले ही अधिकृत किया जा चुका है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जरूरी पास दे। मजदूरों को परेशानी न हो, इसे सुनिश्चित करने के बाबत भी आदेश है। मंत्रालय की ओर से यह निर्देश दिए गए हैं कि जरूरी सामान की ढुलाई इत्यादि के लिए जो मजदूर हैं उनके आने जाने में कोई परेशानी न हो, यह भी स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे। ट्रकों और मजदूरों की आवाजाही की इस सारी प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंस और हाइजीन का पूरा पालन होना चाहिए, लेकिन कुछ जगह यह आदेश मान्य नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि जिन इलाकों को क्वारंटीन किया गया है, यानी कि सील किया गया है, या फिर जो हॉटस्पॉट हैं वहां पर यह आदेश मान्य नहीं होगा। गृह सचिव ने साथ ही लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखी गई फैक्ट्रियों, कंपनियों के श्रमिकों और कर्मचारियों की बिना किसी परेशानी के आवाजाही तय करने का निर्देश सभी को दे दिया है। तो क्या लॉकडाउन अभी जारी रहेगा? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। ड्राइवरों और मजदूरों को लेकर जारी ये आदेश इसी तरफ इशारा करते हैं। इस आदेश में ड्राइवरों, हेल्परों और कॉन्ट्रैक्ट लेबरों को पास जारी करने के लिए कहा गया है। जो ट्रक एक राज्य से दूसरे राज्य जाएंगे उन्हें इंटर स्टेट पास देने की बात कही गई है। इससे तो ऐसा लगता है सरकार अभी लॉकडाउन ख़त्म करने की स्थिति में नहीं है।